यूरोपियन ट्रेवल जीतना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और दो बार यूरोपियन ट्रेवल जीतना तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है 2 साल लगातार यूरोपियन ट्रेवल की ड्रीम पूरी करना। और ये काम शायद इस साल मैन सिटी पूरी कर सकती है, क्योंकि मैन सिटी के अगर आप स्क्वाड की बात करोगे यूरोप में, इट्स द फाइनेस्ट स्क्वाड। मैन सिटी के पास जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, और यहाँ पर उनके पास जो मैनेजर है वो भी दुनिया का बेहतरीन मैनेजर है। अब यहाँ पर मैन सिटी ने ऑलरेडी यूएफए सुपर कप जीत कर अपनी जो एक सीजन वाली 4 ट्रॉफीज़ हैं वो पूरी कर ली हैं। उन्होंने लास्ट ईयर ट्रेबल जीता था, और इस सीजन शुरुआत में यूएफए सुपर कप जीत कर अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में एक और यूरोपियन टाइटल ऐड कर लिया है, और इसके बाद उनको खेलना है जाकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जिसके भी वो अल्टीमेट फेवरेट्स हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लास्ट ईयर की जो उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की थी, क्या इस साल वो बाकी सारी टीम्स को पिछड़कर एक बार फिर से यूरोपियन ट्रेवल की ड्रीम पूरी कर सकती हैं या नहीं।